जरा सा मिस्टेक अगर हम लोग करेंगे भाई ये वाला अगर सीन पे, तो सीधा हम लोग नीचे पहुंच सकते हैं। हम लोग जूम करके देखेंगे, ये देखो भाई वाटरफॉल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यार हालत खराब हो गया हम लोग का। तो यार भाई थोड़ा वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर होगा यहाँ पहुँचने के लिए। हे गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम टू न्यू एपिसोड। दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं पुटुंग के वाटरफॉल पे, और यहाँ से मेरा जितना भी वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि भाई बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज आ गया था, उसकी वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं क्या ही बोल सकता हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों ये वाला एपिसोड ना काफ़ी ज़्यादा तबाही होने वाला है क्योंकि भाई अभी हम लोग आ चुके हैं भाई ये वाला वाटरफॉल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा पीछे दिखाई नहीं पड़ रहा सर, आप लोगों को पास में जाके दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा औसम यहाँ पर नज़ारा है, और मेरा पीछे देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा मैंने लगेज अपना जो बैग कैरी कर चुका हूँ, और जितना हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब जल्द से जल्द नीचे पहुँचने के लिए। और जब मैं यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर मैं ऊपर से नीचे आधे समय लग गया, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और मशक्कत करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और दोस्तों गाइस ये वाला जो रोड है ना भाई काफ़ी ज़्यादा औसम खराब रोड है, लेकिन हम लोग ये वाला रोड होके नहीं जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो मेरे पीछे। जरा देखो भाई इस वाला रास्ता से हम लोग होते हुए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रास्ता है ना भाई साइड से होते हुए जा रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल और काफी ज्यादा रोड से हम लोग होते हुए जा रहे हैं, और मेरा पीछे भी लगे तो का ही बोलू। इसी मुश्किल से हम लोग होते हुए जा रहे हैं भाई, क्या ही बताऊं आप लोगों को कितना ज्यादा यहाँ पर जो है ना डेंजरस, देख सकते हो अब नीचे इतना ज्यादा डेंजरस रफ्ट से हम लोग जा रहे हैं भाई। कि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ, एक हाथ से हेलमेट, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है नीचे उतरने के लिए। और भाई एक मिस्टेक, जरा सा मिस्टेक अगर हम लोग करेंगे भाई ये वाला अगर सीन पे, तो सीधा आप लोग नीचे पहुँच सकते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि भाई हम लोग अच्छे से अच्छा नीचे पहुँच जाए, और आप लोगों को वाटरफॉल देखने के लिए भाई दिक्कत जहराला मिलेगा, क्योंकि जिस जगह पर आए हैं ना भाई यहाँ पर बहुत बड़ा वाटरफॉल है, इसीलिए हम लोग इतना मुश्किल करके नीचे आ रहे हैं। तो चलो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद, जैसे कि आप लोग रोड देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, और यहाँ से देखो भाई वाटरफॉल के नज़ारा। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश से हम लोग जूम करके देखेंगे, ये देखो भाई वाटरफॉल। छोटे छोटे नज़ारों के साथ में स्टार्ट हो गया है यहाँ का सीन, वो वाले लाइट वाला ये देखो सीन होकर लगा हुआ है। पहुँचते यार हालत ख़राब हो गया हम लोग का, तो यार कितना ज़्यादा टफ था यहाँ पर हम लोग पहुँचते, जितना एनर्जी था ना भाई नीचे से चढ़ते काफ़ी ज़्यादा अभी हम लोग थक चुके हैं, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए इतना ताकत नहीं है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचे, और कितना ज़्यादा थक चुका है यार, जैसे कि आप लोग मेरा चेहरा पर देख ही सकते हो कितना ज़्यादा मतलब निकल रहा पसीना देख सकते हो, है ना भाई। तो काफ़ी ज़्यादा टफ है ये वाला जो जगह दिखाई दे रहा है मेरा पीछे, जो आप लोग नज़ारा देख सकते हो वाटरफॉल, तो यार कतई जहर आने वाला है इतना ज़्यादा। मैं मतलब पहली बार अगर इस मोटो ब्लॉग में अगर मैं कर रहा हूँ ना, पहली बार इतना ऊंचाई पे इतना 8 किलोमीटर पैदल जाने के बाद में मैंने इस वीडियो शूट किया हूँ। तो फिलहाल गाइस आप लोगों को तो आगे का सीन नज़र में मतलब नहीं दिखा पाया, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा का जो नज़ारा देखो भाई क्या ज़्यादा औसम लग रहा है ना। मैं अभी नीचे पर भी मैं पहुँच चुका हूँ, और ये देखो भाई जो ऊपर का नज़ारा है ना, ये देखो जूम भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी वाइट एंगल से भी शूट हो रहा है, और जो वहाँ से नज़र आ रहा है वहाँ से होके हुए ये देखो भाई पानी का जो लहर है यहाँ तक अभी पहुँच गया है। अभी हम लोग इसी जो पानी है इसी हम लोग अभी मौज मस्ती करेंगे। पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाटरफॉल है, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग नीचे जाते हैं, ये वाला छोटा वाटरफॉल है। ये वाला सीन को भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा टफ है। अगर मैं अपना राइड का अगर मैं बात करूँ तो भाई ये वाला रोड में ना मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इतना ज़्यादा खतरनाक भाई मैं जीवन में पहला तो मैं है राइड करके यहाँ तक मैंने पहुँचा हूँ, क्योंकि भाई जहाँ से मैंने बाइक छोड़ा वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर होगा यहाँ पहुँचने के लिए। जो ये सीन देखो आप, जो ये नज़ारा देखो भाई, ये वाला सीन देखने के लिए ना भाई 10 किलोमीटर मुझे पैदल आना पड़ा, जो कि भाई
काफ़ी ज़्यादा ऊंचा, काफ़ी ज़्यादा टफ, मुश्किल हालातों में यह जगह से मैं पहुँच चुका हूँ। और मैं जोर से इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई आप इसे देख सकते हो भाई, जितना भाप है ना ये वाला, काफ़ी शोर आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही आप लोगों को तेज से बात कर रहा हूँ। और मैं अगर खुद के स्पीड में काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुका यार, क्योंकि 10 किलोमीटर वो भी सोच सकते हो पैदल। आज तक मैं जितना भी राइड किया हूँ मैं पैदल अभी तक राइड नहीं किया हूँ, लेकिन ये वाला जो राइड था ना भाई कत्ते ही जहर था, कत्ते ही ये वाला जो सीज़न है भाई कत्ते ही औसम था, क्योंकि जितना मैंने भाई टफ किया, जितना मैंने मुश्किल किया, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर एक और नज़र में मुझे आ रहा है। जो यहाँ का नज़ारा देख सकते हो भाई, जो यहाँ का सीन है ना भाई काफ़ी ज़्यादा औसम है। अगर आप लोग भी अगर ऐसे जगह पर एक्साइटेड हो, ऐसे जगह अगर आप लोग घूमना चाहते हो तो ये जगह भाई आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये जगह पर औसम होगा फोटो के लिए। फॉग है ना भाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर का ओसम होकर रखा हुआ है अभी। तो चलो भाई अपना जो बैग को थोड़ा कैरी करते हैं, आगे जाते हैं, कुछ आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं और सीन देख सकते हो यार कितना ज़्यादा मुश्किल और कितना ज़्यादा टफ है ना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इतना दूर से अगर आप आते हो तो भाई 2-3-4-5 बोतल आप लोग चूस के लाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पीने लायक कुछ पानी है नहीं। अगर आप लोग पीना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से आप पी सकते हो। ये देखो भाई